हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने ये प्रॉब्लम वेक्टर लेके आया हूँ फिर से। तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पे नंबर लिखने हैं। नंबर मतलब ऐसे नहीं लिखने हैं 1 2 3 4 5 6, हमें क्या करना है, जैसे 3 सिटी दी गई हुई है तो यहाँ पे 1 2 3 आ जाए, यहाँ पे 3 सिटी और दी गई तो फिर से 1 2 3 आ जाए, और यहाँ पे 2 सिटी दी गई 1 2 आ जाए, 3 आ जाए, फिर यहाँ पे 1 और 2 आ जाए, मतलब सिटी वाइज नंबरिंग हमारी हो जाए। तो अगर अभी तो हमारे पास ये छोटा डेटा है, अगर आपके पास बड़ी लिस्ट होगी तो आपको ये मैनुअल करना पड़ेगा। तो मैनुअल ना करना पड़े इसलिए यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा। फॉर्मूला यूज़ करने से पहले मैं अपना नाम बता देता हूँ। मेरा नाम है मुकुल जैन और आप देख रहे हैं एक्सेल विद मुकुल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूंगा, उसके बाद मैं समझाऊंगा आपको हुआ क्या। फिर फॉर्मूला लगाएंगे इक्विवेलेंट इफ़, उसके बाद ब्रैकेट्स। तो हम करेंगे क्या, अगर ये वैल्यू हमारी नॉट इक्विवेलेंट है इस वैल्यू से, जो कि बिल्कुल ट्रू है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास 1 पेस्ट हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, H1 में 1 ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप ये फॉर्मूला लगाओगे वैसे क्या होगा, ये अपने आप सीरियल नंबर आपको दे देगा। यहाँ पे देखते हैं तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सीरियल नंबर आ चुके हैं। अब मैं आपको फॉर्मूला समझाता हूँ आखिर हुआ क्या। फिर तो फॉर्मूला एडिट करते हैं। अब हो क्या रहा है कि मान इफ लगा हुआ है, इफ में क्या हमने कंडीशन दे रखी, अगर ये दोनों सेल, ये B1 सिटी जहाँ लिखा हुआ है और ये लखनऊ जहाँ लिखा हुआ, अगर ये दोनों नहीं है बराबर, बराबर शायद है नहीं, सिटी अलग है और लखनऊ अलग है, दोनों के टेस्ट नेम्स अलग है, दोनों अलग है, तो अगर अलग होंगे तो 1 पेस्ट कर देगा। अगर ये दोनों अलग हैं तो 1 आ जाएगा, वरना क्या होगा, इसमें +1। अभी क्या हो रहा है, ये दोनों अलग हैं इसलिए ये 1 पेस्ट कर रहा है, इसको इग्नोर कर रहा है, इसको लेगा ही नहीं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब मैं इसके नीचे चलता हूँ जस्ट और फिर उसको समझाता हूँ। अब क्या हो रहा है, B3 मतलब ये B3 लखनऊ और लखनऊ दोनों सेम टेक्स्ट है, तो ये अब दूसरे वाले उसमें नहीं जाएगा, ऑप्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, फॉल्स वाले में आखिरी में चला जाएगा। और आखिरी में हो क्या रहा है, जस्ट अबव सेल, अबव सेल मतलब जो हम लोग का 1 लिखा हुआ है उसमें 1 जोड़ देगा, 1 जोड़ देगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। इसी तरीके से ये नीचे पूरा चल रहा है और यही हमें चाहिए था। लेकिन आप इसको ऐसे नहीं पेस्ट करोगे, डायरेक्ट डायरेक्ट पेस्ट करोगे तो गलत हो जाएगा, इसको पहले आप यहाँ पे एज अ वैल्यू पेस्ट कर लेंगे। तो कंट्रोल से ही करेंगे, पेस्ट पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे और एज अ वैल्यू इसको पेस्ट कर देंगे, उसके बाद इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये आपका पूरा डेटा हो गया। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के संग शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत अमेजिंग ट्रिक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।